की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले पर अपडेट हर एक फर्स्ट इंडिया के जरिए आप तक पहुंच रही है। तो आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने धरना स्थगित करने की घोषणा कल कर दी थी और आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजपूत सभा भवन में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा और राजपूत सभा भवन से पार्थिव देह को गोगामेड़ी ले जाया जाएगा। गोगामेड़ी में सम्मान के साथ पार्थिव देह का अंतिम संस्कार होगा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पार्थिव देह का पोस्टमार्टम हुआ 10 दिसंबर को। उसके बाद दिल्ली में रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो कल जिस तरह का रात का घटनाक्रम रहा, हर एक तस्वीर आपने फर्स्ट इंडिया के जरिए क्योंकि देखी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत पहुंची और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले आह्वान किया कि रुकना नहीं चाहिए राजस्थान बंद का ये क्रम, और उसके बाद में जब समझाइश हुई, प्रशासन के साथ बातचीत पर सहमति बनी, उसके बाद धरना स्थगित करने की घोषणा की। और चलिए हमारे साथ सीओगी सत्यनारायण लाइव जुड़ चुके हैं एसएमएस के बाहर मोर्चरी से, हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया देर रात तक चल रही थी और उसके बाद में अब क्योंकि राजपूत सभा भवन पहला वो स्थान है जहां पर पार्थिव देह को दर्शनार्थ रखा जाएगा, क्या जानकारी फिलहाल वहां से सत्यनारायण? जैसे देखिए, बीती रात दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव देह का पोस्टमार्टम हो चुका है और हम दिखाना चाहेंगे जो तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है, राजपूत समाज के लोग भी यहां पर आ चुके हैं और थोड़ी देर पश्चात एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव देह को यहाँ से रवानगी दी जाएगी। जो सूचना रही हमारे पास कि सबसे पहले राजपूत सभा भवन अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा पार्थिव देह को, उसके बाद में भवानी निकेतन ये सब रखा जाएगा और उसके बाद के अंदर लगातार रास्ते के अंदर जो गाँव आते हैं वहाँ पर सुमन अर्पित करते हुए गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी ये पार्थिव देह पहुंचेगी जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इस 6 घंटे का जो रास्ता है जैती, इस रास्ते के अंदर कई स्थानों पर जो लोग हैं, जो हुजूम है, इनका इंतजार कर रहे हैं जिससे कि वो पार्थिव देह के अंतिम दर्शन वो कर सकें। एक छोटा जो मिनी ट्रक होता है उसको थोड़ी देर में सजाया जाएगा जिसमें अंतिम दर्शिका रखी गई है, इसी अंतिम दर्शिका के अंदर पार्थिव देह को रखा जाएगा और उसके बाद में यहाँ से रवानगी दी जाएगी। करीबन 10 से 15 मिनट का यहाँ पर समय लग सकता है जैसे, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हो चुका है लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है, कागजी कार्रवाई होती है, वो फिलहाल की जा रही है और उसके बाद में यहाँ से इस ट्रक के अंदर जो पार्थिव देह है उसको यहाँ से रवानगी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि राजपूत सभा भवन के अंदर जो रातू समाज के लोग हैं वो एकत्रित हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए सबको रखा जाएगा, उसके बाद में वो जयपुर से बाहर चले जाएंगे। जयती, बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि अब रात तक इस खबर पर फौसने जा की निकाहें बनी हुई थी और उसके बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पहले नवीन और उसके बाद में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की शुरू हुई। तमाम सारी कागजी कार्रवाइयों के बीच में रात में पोस्टमार्टम के बाद में फिर मेडिकल बोर्ड और मेडिकल बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद में अब संभवतः आप जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं अब यहाँ से पार्थिव देह निकलेगी। राजपूत सभा भवन पहला पड़ाव होगा सत्यनारायण, कितना समय मानकर चले जब यहाँ से जो पूरा काफिला है अंतिम दर्शनों के लिए रस्ते से होकर गुजरेगा और उसके बाद पहुंचेगा राजपूत सभा भवन? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई होती है, हालांकि वो पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, कागजी कार्रवाई अंदर जारी है, पुलिस के आला अधिकारी जो है वो अंदर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर जो राजपूत सभा भवन है वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। करीबन 5 से 10 मिनट का वो रास्ता है तय होगा, उसके बाद में राजपूत सभा भवन के बाद में भवानी निकेतन, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्थान है राजपूत समाज का भवानी निकेतन, जो कि राजपूत समाज का एक बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ पर अंतिम दर्शन रखा जाएगा। वहाँ पर करीबन आधे घंटे का समय रखा जाएगा क्योंकि जो राजपूत समाज के लोग हैं वहाँ भारी संख्या में पहुंचे हुए, तो अंतिम दर्शनों के बाद में उनको भवानी निकेतन के बाद में इससे जो मिनी ट्रक के द्वारा है इनको पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और रास्ते के अंदर कई स्थानों पर जो गांव आते हैं वहाँ पर भी अंतिम दर्शनों के लिए ट्रक को रोका जाएगा जिससे कि लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। फिलहाल कुछ ही देर में जो कागजी कार्रवाई के बाद में जो पार्थिव देह है उसको यहाँ से रवानगी दी जाएगी। सत्यनारायण, अगर कल के पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें तो रात में कुछ अलग तस्वीर नजर आ रही थी, उनकी जो धर्मपत्नी है शीला शेखावत वो मीडिया के सामने पहुंचती है, हालांकि बात करने की स्थिति वो नहीं थी, उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज से अपील की एक दिन और राजस्थान बंद करने की, लेकिन फिर बाद में प्रशासन के साथ में जिन मांगों पर सहमति थी वो बन गई। एक बार दर्शकों को बताइए क्या मांगे रखी गई थी और मांग पत्र पर सहमति फिर बाद में जब बनी उसके बाद में धरने को स्थगित करना और साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर फिर समाज सहमत हुआ? देखिए
जैसे देखिए, जब कल रात को धरना चल रहा था उसी बीच में जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की धर्मपत्नी बाहर आई धरने के बीच में, उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने चाहे मेरी सारी मांगें मान ली होगी लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ये मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक उनका एनकाउंटर नहीं होगा तब तक धरना स्थगित नहीं होगा। उन्होंने जो लोग थे रातू समाज के उनका सहयोग मांगा और साथ साथ राजस्थान के अन्य जो स्टेट हैं राजस्थान के अलावा वहाँ से भी रातू समाज को आह्वान किया कि सभी यहाँ जयपुर आओ और तब तक ये पड़ाव खत्म नहीं होगा। लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की, लोगों ने समझाइश की, उसके बाद में दोबारा वो बाहर आई। उन्होंने कहा कि नहीं, राजस्थान की जनता का ख्याल मुझे रखना, उसके बाद में पड़ाव स्थगित कर दिया गया। हालांकि काफ़ी हद तक बात बनती रही, बिगड़ती रही, करीबन दो घंटे के समय के बाद में रात को ये धरना स्थगित हुआ है। उसके बाद में पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी देखिए जो जाब्ता यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि बड़ा नाम है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने आप के अंदर, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। और जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पार्थिव देह यहाँ से रवाना नहीं होता तब तक ये जाब्ता यहाँ पर यूं ही तैनात रहेगा। हालांकि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है और कुछ देर पश्चात कागजी कार्रवाई के पश्चात जो शव है वो यहाँ से रवाना होगा। जबकि सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि 6 घंटे का सफ़र है, 6 घंटे के सफर के अंदर करीबन 100 से अधिक स्थानों पर जो बीच में गाँव आते हैं वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। तो ऐसे में एस्कॉर्ट शव किया जाएगा, पुलिस की गाड़ियां सबको एस्कॉर्ट करेगी और करीबन 6 घंटे बाद जो इनका पैतृक गांव है गोगामेड़ी वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देती सत्यनारायण तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को 3 अलग अलग, और उसके अलावा जो जानकारी है कल के घटनाक्रम को लेकर वो भी बता रहे हैं कि मांग क्या थी, परिजनों को सरकारी नौकरी दिलवाए जाने हेतु सरकार को अनुशंसा की जाएगी, सभी स्वीकृत हो गई है। इस घटना में घायल अजीत सिंह के परिजनों को आर्थिक सहायता की अनुशंसा की गई, हालांकि क्रिटिकल स्टेज में वो है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिजनों को हाई सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी और शस्त्र की अनुमति भी दी जाएगी। सत्यनारायण, इन सभी चीजों से इतर अगर इस तरह से समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ वो राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी एक बड़ा सवाल परिवार के लोग, समाज के लोग बताते रहे कि अगर उनके साथ में हो सकता है तो किसी के साथ हो सकता है। ओवरऑल प्रशासन की व्यवस्थाएं पुलिस के लिहाज से कितनी ज्यादा और चाक चौबंद की जाएगी अब से? जैसे देखिए, जो मांगे थे उनकी कि जो परिवार है मृतक आश्रितों का परिवार है उस परिवार को आजीवन सुरक्षा प्रदान की जाए, तो पुलिस ने वो मांग मान ली है। और साथ साथ जो शस्त्र लाइसेंस की बात की कि शस्त्र लाइसेंस भी परिजनों को चाहिए, तो शस्त्र लाइसेंस भी मांग मान ली है। आर्थिक मुआवजे की जो मांग थी वो मान ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने मांग की थी कि NIA को जाँच दी जाए, तो NIA को जाँच देर रात ही राज्यपाल ने जो है गृह मंत्रालय को NIA की जाँच भेज दी है। अब गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद में NIA इस पूरे मामले की जाँच करेगी, क्योंकि सारी मांगे मानने के बाद पश्चात ही जो धरना है वो खत्म हुआ है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो राजस्थान के अंदर SIT गठन हुआ है इस पूरे मामले को अंदर, वो SIT अपना काम करेगी या फिर इसमें NIA काम करेगी। तो ऐसे में अभी भी गतिरोध इस बात का बना हुआ है कि इस मामले की जाँच कौन करेगा, क्योंकि अभी तक लिखित में अनुमति नहीं आई NIA की। तो ऐसे में जब तक लिखित में अनुमति नहीं आती तब तक जयपुर राजस्थान पुलिस इस पूरे प्रकरण की जाँच करेगी। फिलहाल सारी मांगों को मानने के पश्चात ही जो धरना है वो स्थगित हुआ है। हजारों लोग जो राकू समाज के बैठे थे वो यहाँ से रात को अपने अपने स्थानों पर चले गए हैं। फिलहाल जयपुर शहर के अंदर एक बार फिर से शांति का माहौल है, पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार पुलिस के अधिकारी हो चाहे पुलिस के जवान हो वहाँ पर तैनात है, दिन रात वहाँ पर जनता की सेवा के पश्चात आज जाकर कहीं ना कहीं पुलिस ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है और कागजी कार्रवाई के बाद में शव जो पार्थिव देह है वो राजपूत सभा भवन के लिए रवाना होगा जयती, और उसके बाद में इनका पैतृक गांव जो गोगामेड़ी है हनुमानगढ़ जिले में वहां पर ले जाकर इनका नमस्कार किया जाएगा। ठीक है, सत्यनारायण बनी रही हमारे साथ में। एक बार राजपूत सभा भवन का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी विनोद वहां से लाइव जुड़ गया। विनोद, राजपूत सभा भवन के पहला पड़ाव जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अंतिम दर्शनार्थ और उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है और तैयारियां कितनी दुरुस्त है अभी? जी देखिए, सुबह से ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया है। पार्थिव देह किसी भी समय यहाँ पहुँच सकती है, यहाँ दर्शनार्थ रखी जाएगी। ये भीड़ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं राजपूत समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, जिन्हें देर रात सूचना मिली थी कि यहाँ राजपूत सभा भवन में उनकी पार्थिव देह लाई जाएगी। सीधे 1 से 2 घंटे तक आमजन और समाज के लोगों के लिए दर्शनार्थ रखा जाएगा। यहाँ से फिर वो गोगामेड़ी के लिए रवाना होगी, जहाँ 2 बजे फिंडल की बात सामने आ रही है। वहाँ भी गोगामेड़ी में भी राजपूत सभा भवन में उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। आप कितने बजे आ गए थे सुबह? हम सुबह भी 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे, 6 बजे से यहीं पर हैं। और हमारे यहाँ आने का कारण था कि उनके साथ में जो एक अजीत सिंह राजावत हैं, जो वहाँ मौका वारदात में मौजूद थे और जिनको 7 गोली लगी है, और वो आज SMS हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं।
और उनको ना अजीत सिंह जो थे वो उनके क्या साथी हैं, गनमैन हैं, किसके साथी हैं, उनके दोस्त हैं और वो हमेशा साथ रहते हैं, उनका पूरा परिवार उनको जानता है, इनका अच्छा घर में टर्म्स हैं, सब कुछ हैं, और उन्होंने खुद ने उनको बुलाया था मिलने के लिए बुलाया था उनको, और आज उनको ना कोई उनके बारे में बात कर रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना उनका दो छोटी छोटी बेटियां हैं उनकी। अभी यहाँ जब पार्थिव देह आ जाएगी, तमाम समाज के बड़े लोग आ जाएंगे, पदाधिकारी आ जाएंगे और तमाम वो लोग आ जाएंगे, उनसे भी पहले आपने मांग करी? नहीं, हमने किसी से कोई मांग नहीं करी, क्योंकि हमारे वो लोग, मतलब हमें लग रहा था कि वो वैसे बात करेंगे उनके बारे में, सब जानते हैं। देखिए, ये भीड़ इस रूप में भी यहाँ आई है कि गोगा मेडी के साथ अजीत सिंह जी जो मौके पे थे, उनके घर पे उनके भी गोली लगी, उनके परिजन भी यहाँ हैं, उनके गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी को इंतजार है पार्थिव देह का। और देखिए, राजपूत समाज नहीं, सर्व समाज के लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और किसी भी समय उनका पार्थिव देह यहाँ लाया जा सकता है। मैं कैमरामैन सुरेंद्र से कहूँगा कि देखिए, रात भर से पुलिस यहाँ है, पुलिस का इंतजाम भी यहाँ है, कैमरा थोड़ा सा घुमाइए, देखिए सड़क पर ही इंतजार किया जा रहा है। और अब पुलिस की माकूल व्यवस्था, जिस तरीके से लगातार गाड़ियां यहां आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर 10 से 15 मिनट के बीच यहां पार्थिव देह लाई जा सकती है और राजपूत सभा भवन के अहाते में पार्थिव देह को रखा जाएगा। बताया ये भी जा रहा है करीब दो घंटे तक यहाँ पार्थिव देह रहेगी, जिसकी अंतिम दर्शनार्थ यहाँ रखी जाएगी, यहाँ से फिर भवानी निकेतन होते हुए गोगा मेडी के लिए रवाना होगी। और सर्व समाज के लोगों का, राजपूत समाज के लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया है। और देखिए, राजस्थान भर से जिस तरीके से देर रात को घटनाक्रम पूरा हुआ और वार्ता का दौर चलने के बाद, चार दौर की वार्ता के बाद, उनकी पत्नी जो शीला शेखावत ने ये कहा कि 72 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं, 72 घंटे में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम सड़कों पर आएंगे, महिपाल सिंह मकराना भी कहा था। उसके बाद ये तय हुआ था कि उनकी पार्थिव देह यहाँ राजपूत सभा भवन में लाई जाएगी, 2 घंटे आमजन के दर्शनार्थ रखी जाएगी, यहाँ नमन करने के बाद वो पार्थिव देह रवाना होगी। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं, सुबह सुबह का समय है, कुछ लोग 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे, कुछ लोग 6 बजे पहुँचे हैं, तो लोगों का आना अब शुरू हो गया है और 2 घंटे तक यहाँ पार्थिव देह रहेगी अंतिम दर्शनार्थ। तो उस दौरान देखने वाली बात होगी कि तमाम भीड़ियाँ रहेगी, समाज बंधु यहाँ रहेंगे, सर्व समाज के लोग रहेंगे, यहाँ से फिर माना जा रहा है कि 9 से 10 बजे, अधिकतम 10 बजे के बीच यहाँ से पार्थिव देह रवाना होगी गोगा मेडी के लिए। बिल्कुल विनोद, आप ठीक कह रहे हैं, और क्योंकि लोगों की संवेदनाएं भी हम समझते हैं, जो तरह का घटनाक्रम रहा, शोक का माहौल, और अब उम्मीद करते हैं कि अजीत, जो कि इस समय बहुत क्रिटिकल स्थिति में है, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, ईश्वर उन पर दया करे और उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे, इस चीज की कामना के साथ में। विनोद, एक और सवाल रहे, हर एक व्यक्ति चाहता है कि अंतिम वो दर्शन कर पाए, खासतौर पर समाज से जुड़ा हुआ उनको देख पाए, उन्हें एक बार अंतिम बार उनको देख ले और उसके बाद में फिर वो अंतिम यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि एक साथ बहुत भीड़ वहां पर ना जुड़ जाए या फिर स्मूथ तरीके से वहां पर जो काम है वो चलता रहे, पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी कल की भांति आज भी हो जाती है, क्योंकि आज का दिन भी वो सार्वजनिक तौर पर होगा जब वो उनके इस हत्याकांड के बाद में पहली बार लोगों को देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, यह देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी बेहतर है। मैं फिर एक बार सुरेंद्र से कहूंगा, ये पुलिस जाप्ता है जो अल सुबह यहाँ पहुंच गया था, कुछ पुलिसकर्मी देर रात से यहीं हैं, पुलिस का माकूल इंतजाम है और बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। देखिए, जिस तरीके से राजपूत समाज और सर्व समाज ने करीब 40 घंटे तक धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी, सहमति बनी, सहमति बनने के बाद गोगा मेडी की पत्नी ने सब कुछ कहा, उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, लोगों को इंतजार है गोगा मेडी के पार्थिव देह का, जिसके अंतिम दर्शन करे जाएंगे, यहाँ 2 घंटे यहाँ पार्थिव देह को रखा जा सकता है, उसके बाद यहाँ से गोगा मेडी के लिए रवाना होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जयपुर में फिलहाल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, तमाम लोग यहाँ बिल्कुल उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करने के बाद लोग अपने घरों को रवाना होंगे। देखिए, बड़ी बात यह है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए अब राजस्थान के कई जगह से, कई भागों से लोग रवाना हो गए और बताया ये जा रहा है कि 10 बजे यहाँ पर भारी भीड़ हो जाएगी दर्शनार्थ। तो ऐसे में लोग अब अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, उनकी पार्थिव देह किसी भी समय पहुँच सकती है और तमाम जो समाज बंधु हैं, सर्व समाज के लोग हैं, वो इसीलिए यहाँ पहुँचे हैं कि गोगा मेडी एक बड़ा नाम था, 36 कौम के लिए बड़ा नाम था। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने हजारों बेटियों के हाथ पीले करवाए, सामूहिक विवाह पर उनका बहुत जोर था और तमाम जो समाज के कार्यक्रम थे उनमें वो शिरकत करते थे, हर किसी की मदद करते थे। तो ऐसी शख्सियत की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद समाज उद्वेलित था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से 40 से
45 घंटे धरना चला, वार्ता के दौर चले, सहमति बनी और अब यहाँ अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लग गई है और कुछ ही देर में उनकी पार्थिव देह राजपूत सभा भवन पहुँच सकती है। यहाँ आता में उसको रखा जाएगा और एक अहाते में ही दर्शन करवाए जाएंगे। अंतिम दर्शन के बाद लोग यहाँ से राजस्थान के जो अलग जगह जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अंतिम दर्शन के बाद फिर से रवाना होंगे। जी बिल्कुल विनोद, बने रहिए हमारे साथ, फिर से अपडेट लेंगे आपसे। एक बार रुक करते हैं सत्यनारायण का भी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, ये बताइए क्योंकि अब व्यवस्थाएं सारी आप वहां से बता रहे हैं जो कि मोर्चरी के बाहर, फिलहाल पार्थिव देह को रवाना करने का समय हो चुका है, लेकिन ये भी बताइए क्योंकि कल से लेकर अब तक 72 घंटों का अल्टीमेटम परिवार की ओर से दिया गया और लगभग आज 1 बजे 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। वो दो शख्स जिन्होंने राजधानी जयपुर की शांति को भंग किया है, रोहित और नितिन, इनके बारे में आइडेंटिफिकेशन के अलावा अब तक क्या सुराग पुलिस के हाथ में? जैसे देखिए, लगातार जो SIT है जो आरोपियों के पीछे चल रही है, हालांकि दोनों आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन दोनों के नाम पुलिस के साथ आ चुके हैं, तो माना जा रहा है कि वो जल्द से जल्द पुलिस के हाथों में होंगे। लेकिन वर्तमान की बात है कि जो गोगामेडी का शव है उसका पोस्टमार्टम फिलहाल हो चुका है और शायद कुछ क्षणों के अंदर जो रास्ता है, इस रास्ते के लिए शायद इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ है जाप्ता तैनात कर दिया गया है और जो अंतिम दर्शन का पेटी है वो भी यहाँ रखवाई गई है जैसी, और आज थोड़ी देर बाद में यहाँ से शव को रवाना किया जाएगा। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि एक मित्रों के मित्र थे, हमारे भी अच्छे जति मित्र थे, कई बार हमारे चैनल भी वो आए हुए हैं, कई डिबेट में उन्होंने भाग भी लिया है, कई जो बहनों का उन्होंने विवाह, सामूहिक विवाह उन्होंने करवाया, तो इसीलिए शायद कल जब उनका गोली मारकर हत्या होने की बात के बाद से ही राजस्थान भर से लोग जो है वो मौके पर पहुँचने लगे और इस धरने के अंदर हिस्सा लिया। लेकिन जब देर रात को उनकी धर्मपत्नी ने जब ये कहा कि नहीं, अब हमको धरना समाप्त करना चाहिए, तो उसके बाद में सभी उनकी बात मानकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। और यही कारण है कि सुबह करीबन 7 बजे का टाइम है, तो सुबह देखकर 7 बजे ही लोग आना जुटना शुरू हो गए हैं। मोर्चरी के बाहर भी लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पार्थिव देह बाहर लाया जाए और कब वो अंतिम संस्कार के लिए जो अंतिम यात्रा है उसके लिए निकले। फिलहाल कुछ ही क्षणों के अंदर बताया जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कागजी कार्रवाई के बाद कुछ ही क्षणों के भीतर उनका जो शव है वो बाहर लाया जाएगा और जो इस खुले ट्रक है, इस खुले ट्रक के अंदर जो सारी तैयारियां खुले ट्रक में कर ली गई है, खुले ट्रक के अंदर जो शव को अंतिम जो दर्शिका पेटी होती है उसमें ले जाया जाएगा और राजपूत सभा भवन के बाद में भवन निकेतन भी उनका रुकने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। इसके बाद में जहाँ तक शव जाएगा उनके गांव तक, वहाँ तक रास्ते में जो गांव आते हैं तो कई गांवों के अंदर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। जती बिल्कुल सत्यनारायण, की तस्वीरें दर्शकों तक लगातार पहुंच रही है। सत्यनारायण, आप जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हलचल वहां पर अब बढ़ी और जाप्ता एक तरीके से तैनात हो गया है। ये मानकर चले कि अगले 5 से 10 मिनट के भीतर ज्यादा से ज्यादा जो पार्थिव देह है वो SMS से रवाना होगी और राजपूत सभा भवन सीधा रुख करेगी। बिल्कुल, देखिए 5-10 मिनट के भीतर भीतर ही जो पार्थिव देह है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी, क्योंकि जाप्ता एक्टिव हो चुका है और जो लाइन है जाप्ता की वो लाइन यहाँ पर लग चुकी है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है। कल रात से ही पुलिस का इसी का इंतजार था कि कब पार्थिव देह का पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रात को पूरी हो चुकी है। नवीन शेखावत और गोगामेडी दोनों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद के अंदर अब जो कागजी कार्रवाई हो रही है वो शुरुआत की गई है। जो अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लग चुकी है, पुलिस की बस है वो यहाँ पर लग चुकी है, हर कोई इंतजार कर रहा है पार्थिव देह के यहाँ से रवाना होने का। क्योंकि राजपूत सभा भवन में जो लोगों का हुजूम है वो जुटना शुरू हो गया, जैसे ही राजपूत सभा भवन के बाद में भवन निकेतन पहुंचेंगे, तो ऐसे माना जा रहा है कि यातायात व्यवस्था ठप्प ना हो, तो पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द जो अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है वो पूरा हो, क्योंकि 10 बजे बाद जो ऑफिस टाइम होता है उस समय अगर यात्रा निकलती है तो काफ़ी हद तक यातायात जाम होने की संभावना है। ऐसे में जो पूरा प्रोसेस है उसको जल्दी करवाया जा रहा है और शायद कुछ क्षण के अंदर जो अंतिम दर्शन के लिए यात्रा निकलेगी तो कुछ क्षण के अंदर जो शव है उनका पार्थिव देह वो इस मोर्चरी से बाहर आता हुआ दिख जाएगा। देती सत्यनारायण, बने रहिए हमारे साथ, में विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, एक्टिव वहां पर जाप्ता हो चुका है, मानकर हम चल रहे हैं कि 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और जिस तरह से सत्यनारायण जानकारी दे रहे हैं पार्थिव देह SMS से निकलेगी और फिर पहुंचेगी, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 3.5-4 किलोमीटर का ये रास्ता रहेगा राजपूत सभा भवन तक का। ऐसे में अभी वहां पर भी कोई अलर्ट मिला है, वहां पर भी मुस्तैदी आई और नजर आ रहा है कि अब हलचल वहां पर भी बढ़ रही है क्योंकि पहुंचने वाले हैं पार्थिव शव के साथ में सभी लोग। देखिए, पुलिस का मूवमेंट बहुत तेज हो गया है और पुलिस के मूवमेंट को देखते हुए लगता है कि किसी भी समय पार्थिव देह यहाँ पहुंच सकती है। पुलिस के मूवमेंट के बाद ही अब लोगों की संख्या भी यहाँ जुटना शुरू हो गई है। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उनकी पार्थिव देह यहाँ अंतिम दर्शनों के लिए लाई जा रही है, लेकिन मेट्रो मास में
जब उनको भर्ती कराया गया, उनका उनकी देहांत हो गया, उसके बाद से ही वहाँ उनके अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ लगी रही। कल देश के कोने कोने से जो राजपूत समाज के नेता यहाँ पहुँचे, क्षत्रिय महासभा और करणी सेना यूपी, करणी सेना गुजरात, करणी सेना मध्य प्रदेश, क्षत्रिय महासभा के राज्य के विभिन्न शाखाओं से यहाँ जो लोग पहुँचे थे और सर्व समाज के लोग जो पहुँचे थे, उन्होंने मेट्रो मार्च में कल लंबी कतार लगाकर उनके अंतिम दर्शन किए, पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए। तो कल भी अंतिम दर्शन का दौर दिन भर चला और आज जिस रूप में देखिए, पोस्टमार्टम के बाद यहाँ सीधे पार्थिव देह को राजपूत सभा में लाया जा रहा है।